लेबनान में हिजबुल्ला चीफ की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया। हसन नसरल्ला ने दरअसल चैलेंज किया और कहा कि गाजा को कोई जीत नहीं सकता, लेकिन आज देखिए इजरायली सेना ने क्या ऐलान किया है। ये ऐलान किया गया है कि उसकी सेना ने गाजा पट्टी को दो हिस्सों में बांट दिया है ताकि हमास के लड़ाकों का पूरी तरह से सफाया किया जा सके। खबर तो यहाँ तक आ रही है कि इजरायली सेना ने अस्पताल में छिपे बैठे हमास के कमांडरों पर सीधा हमला किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वो मुस्लिम मुल्क क्या कर रहे हैं जो हमास का जंग में साथ देने का दावा कर रहे थे। क्या अकेले इजरायल ने अपने दम पर मुस्लिम मुल्कों के पसीने छुड़ा दिए। हिस्सों में फाड़ दिया गाजा। या अल्लाह, या अल्लाह। ईरान, सीरिया, लेबनान, तुर्की, इराक, जॉर्डन और मिस्र, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि महज 30 दिन की जंग में इजराइल गाजा पट्टी को फाड़कर दो हिस्सों में बांट देगा। इसराइल की आईडीएफ के सैनिक भूखे शेरों की तरह हमास के लड़ाकों का शिकार कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के दावों के मुताबिक आईडीएफ के सैनिक उत्तरी गाजा में बेहद अंदरूनी हिस्सों में पहुंच चुके हैं, जहां वो हमास के लड़ाकों को सुरंगों और इमारतों में ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि कैसे हमास के लड़ाके अपनी ही सुरंगों में जिंदा दफन हो रहे हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे हमास के लड़ाके आखिरी जंग के लिए सुरंगों से निकलकर इजरायली सेना पर क्रूर हमले कर रहे हैं। और आईडीएफ को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे हिजबुल्ला का चीफ हसन नसरल्ला लंदन से लेकर वॉशिंगटन तक तबाही मचाने का ऐलान कर रहा है। كل الاحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة हाफने लगा हमास, हकलाने लगा हिजबुल्ला। सात अक्टूबर से अब तक गाजा पट्टी में 720 घंटे की जंग हो चुकी है। हमास ने जमीन के ऊपर और सुरंगों के अंदर से इजरायली सेना पर पूरी ताकत से हमला किया है, लेकिन इसके बावजूद 29 अक्टूबर से शुरू हुए दूसरे चरण के हमले में इजरायल की आईडीएफ ने गाजा में हमास को रौंद कर रख दिया है। कल्पना से भी ज्यादा भीषण हवाई हमलों ने उत्तरी गाजा के चीथड़े उड़ा कर रख दिए हैं। लगभग 30 दिन की जंग में गाजा पट्टी में 35,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी हैं, जबकि उत्तरी गाजा में मौजूद 35 में से 19 हॉस्पिटल्स को इजरायली सेना ने तबाह करके रख दिया है। इसराइल का दावा है कि मस्जिद, अस्पताल, स्कूल और रिहायशी इमारतों के नीचे हमास ने कमांड सेंटर बना रखे हैं,
जिसकी वजह से हमास के साथ साथ फिलिस्तीनी भी मारे जा रहे हैं। अब खबर ये आ रही है कि गाजा में इजरायली सेना ने इस तरह से हमला किया है कि हमास के लड़ाके बुरी तरह से घिर गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक गाजा में 3000 से ज्यादा हमास लड़ाके मारे जा चुके हैं, जबकि 35 से ज्यादा हमास कमांडर मारे जा चुके हैं, जिसमें से 10 से ज्यादा हमास के टॉप कमांडर थे। 1300 से ज्यादा सुरंगों से भरी पड़ी गाजा पट्टी को इजरायली सेना ने तबाह करके रख दिया है। खबर आ रही है कि हमास की 300 से ज्यादा सुरंगों को उत्तरी गाजा में तबाह कर दिया गया है। 30 दिन के जंग के बाद इजरायली सेना ने कहा है कि गाजा अब दो हिस्सों में बंट गया है। दक्षिणी गाजा में इजरायली सेना मानवीय सहायता पहुंचवा रही है। वहां अगर कोई हमास लड़ाका पहुंच रहा है तो उसे मार गिराया जा रहा है, जबकि वहीं उत्तरी गाजा में जंग तेज हो चुकी है, जहां से फिलिस्तीनियों को तुरंत उत्तरी गाजा खाली करने की चेतावनी देते हुए उत्तरी गाजा खाली करवाया जा रहा है। इसराइल के पूर्व पीएम एहुद बराक ने दावा किया है कि अब इसराइल अगले 10 से 20 साल तक गाजा पर कब्जा रखेगा। गाजा को दो हिस्सों में बांटने से अब इजरायली सेना उत्तरी गाजा से हमास के लड़ाकों और समर्थकों का पूरी तरह से सफाया कर रही है। उत्तरी गाजा के इन तस्वीरों को गौर से देखिए। इजरायली सैनिक उत्तरी गाजा में लगभग 10 से 15 किलोमीटर अंदर घुस चुके हैं। यहां पर आईडीएफ और हमास के लड़ाकों के बीच भीषण जंग हो रही है। इजरायल के 24 से ज्यादा सैनिक अब तक मारे जा चुके हैं। 6 से ज्यादा इजरायली टैंकों को तबाह करने का दावा हमास के कमांडर और लड़ाके कर रहे हैं। हमास का चीफ हानिया और हिजबुल्ला का चीफ हसन नसरुल्ला डंके की चोट पर कह रहे हैं कि इजरायल किसी भी कीमत पर हमास को हरा नहीं पाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि जहां हमास के 3000 लड़ाके मारे जा चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला के 60 के करीब कमांडर और लड़ाकों को मारने का दावा इजरायल कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद हमास को लगता है कि वो सुरंगों के दम पर इजरायली सेना को गाजा में पूरी तरह से दबा और बर्बाद कर देगा। देखिए हमास का नेता और कमांडर अली बराका क्या दावा कर रहा है। लेबनन की राजधानी बेरूत में मौजूद हमास नेता अली बराका ने इजरायली सेना को खुला चैलेंज दिया है। कमांडर अली बराका ने दावा किया है कि हमास ने अपनी सैन्य क्षमताओं, विशेषकर अपनी मिसाइलों में सुधार किया है। अली बराका ने दावा किया है कि 2008 के गाजा युद्ध में हमास के रॉकेटों की अधिकतम सीमा 40 किलोमीटर थी, लेकिन 2023 के संघर्ष तक यह बढ़कर 230 किलोमीटर हो गई थी, बराका ने रॉयटर्स को बताया। हर युद्ध में हम कुछ नया करके इजरायलियों को आश्चर्यचकित कर रहे हैं और अब गाजा इजरायली सेना का कब्रिस्तान बनना शुरू हो चुका है। अली बराका का दावा है कि हमास के 40,000 लड़ाके सुरंगों में घातक हथियारों के साथ आईडीएफ पर हमला करने में लगे हैं। बराका ने तो यहाँ तक दावा किया है कि सैकड़ों किलोमीटर लंबी और 80 मीटर तक गहरी सुरंगों के विशाल जाल में इजरायली सेना फंस चुकी है। गाजा के कुछ निवासियों और वीडियो के मुताबिक गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों को इजरायली टैंकों पर गोलीबारी करने के लिए सुरंगों से निकलते और फिर वापस नेटवर्क में गायब होते देखा गया है। हमास को भरोसा है कि उसके हजारों लड़ाके फिलिस्तीनी इलाके के नीचे खोदी हुई सुरंगों के शहर में महीनों तक जीवित रह सकते हैं और शहरी गोरिल्ला वॉर रणनीति से इजरायली बलों के सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। القلق من إمكانية أن تذهب هذه الجبهة إلى تصعيد إضافي أو إلى حرب كاملة أو القلق من أن تتدحرج هذه الجبهة أن تتدحرج هذه الجبهة إلى حرب واسعة وهذا احتمال واقعي ويمكن أن يحصل وعلى العدو أن يحسب له كل حساب وهو يحسب له كل حساب هم عبروا عن ذلك وتحدثوا عن ذلك नरक बना गाजा, खून में डूब गया हमास।
इधर इजरायल ने गाजा पट्टी में भीषण हमले किए हैं, जिसमें से एक हमला अल शिफा अस्पताल पर हुआ है। आईडीएफ ने दावा किया है कि अल शिफा अस्पताल के बाहर जिस एम्बुलेंस से मरीजों को मिस्र ले जाने का दावा किया जा रहा है, उस एम्बुलेंस में हमास के लड़ाके और कमांडर मौजूद थे जो अल शिफा अस्पताल की एम्बुलेंस से मिस्र भाग रहे थे। लेकिन हॉस्पिटल में मौजूद इजरायल के एजेंटों ने आखिरी वक्त में खबर दी कि एम्बुलेंस में मरीज नहीं, हमास के लड़ाके हैं, जिसके बाद इसराइल ने अल शिफा अस्पताल पर हमला करके एम्बुलेंस में मौजूद हमास लड़ाकों को मार डाला। अमेरिकन मीडिया के दावों के मुताबिक इस हमले में 3 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए हैं। खबर तो यहां तक आ रही है कि इसराइल ने कुल 3 हॉस्पिटल पर हमला किया है, जबकि एक स्कूल के नीचे बने हमास के कमांड सेंटर को इसराइली सेना ने तबाह कर डाला है। हांफने लगा हमास, हकलाने लगा हिजबुल्ला। نريد بعض الدواء وبعض السيارات حتى نقدر أن نعالج أبنائنا أطفال كل اللي بموتوا أطفال ونساء. دو حصوں میں پھاڑ دیا غازہ. गाजा को इजरायली सेना कैसे 2 हिस्सों में तोड़ने का दावा कर रही है, जरा ये भी जान लीजिए। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक गाजा पट्टी की 21 लाख से ज्यादा आबादी में से 11 लाख आबादी उत्तरी गाजा में रहती थी, जो अब दक्षिण गाजा की तरफ भाग चुकी है। उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा के बीच 14 किलोमीटर का फासला है, जिसे तय करने में घोड़ा गाड़ी से 1 घंटा और पैदल 3 घंटे में तय किया जा रहा है। इजरायली सेना ने हमास को अलग थलग करने के लिए उत्तरी गाजा से सारे फिलिस्तीनी और हमास समर्थकों को भगाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन अभी भी 2 से 3 लाख लोग फिलिस्तीन में मौजूद हैं, जो हवाई हमलों में हमास के साथ साथ मारे जा रहे हैं। हमास अब मानव ढाल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से अब IDF चुन चुन कर सुरंगों को तबाह कर रही है। अब तक इजरायली सेना उत्तरी गाजा, दक्षिणी गाजा और वेस्ट बैंक में 12,000 के करीब हमले कर चुकी है, जबकि 3,000 के करीब हमास लड़ाके मारे जा चुके हैं। 2 हिस्सों में फाड़ दिया गाजा। קיבלנו משימה חשובה לצאת ולהכריע את החמאס. אנחנו נמצאים עכשיו בעיצומה של מערכה, כוחות האוגדה נמצאים בעומק הרצועה על שערי העיר עזה. אנחנו נמצאים על שערי העיר עזה. במהלך 5 הימים האחרונים פגשתי לוחמים ומפקדים שנלחמים כתף לכתף באומץ לב. इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा, मध्य गाजा और वेस्ट बैंक में कई सीक्रेट ऑपरेशन किए हैं। दावा तो यहाँ तक किया है कि जिस तरह से हमास का एयर चीफ, नेवल चीफ, ग्राउंड फोर्सेस चीफ समेत 25 से ज्यादा टॉप कमांडर हमास के मारे गए हैं, उनकी मौत के पीछे हमास से जुड़े डबल एजेंट है, जिसने इसराइल की IDF को हमास के टॉप कमांडरों की सटीक जानकारी दी है। इसीलिए इसराइल की एयरफोर्स ने पिन पॉइंट से हमास के कमांडरों पर सीधे बम और मिसाइलों से हमला किया है। एक अनुमान के मुताबिक हमास के टॉप कमांडरों के साथ उनके परिवार, रिश्तेदारों के 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अब देखना होगा कि अगले 24 घंटे में उत्तरी गाजा में इसराइली सेना कितने और हमास के कमांडरों और लड़ाकों को मारती है।